हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग जो देख चुके हैं राष्ट्रीय जल मिशन क्या है उसके बारे में पूरा हमने प्री और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से डिस्कशन की थी। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज शुरू की गई है, आप इकोनॉमी के लेक्चर देख सकते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सभी की लेक्चर सीरीज शुरू की गई है यूपीएससी के लिए, स्पेशली फॉर यूपीएससी। और किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वो प्रॉपर बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। चलिए, आज के जो टॉपिक में है ये आज का टॉपिक है नाटो। तो नाटो क्या चीज़ है, कब बना, क्यों बना, नाटो के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे देख लीजिए। नाटो के बारे में पूरा कवर करेंगे, नाटो की स्थापना क्यों हुई थी, नाटो के उद्देश्य क्या क्या हैं, नाटो ऑपरेशन के बारे में, नाटो के ऑपरेशन कैसे होते हैं, नाटो की संरचना कैसे हुई, उनकी बॉडी में कितने अंग हैं, और नाटो के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, वो चार अंग के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, नाटो क्यों और कब बना था, ये फोटो देख लीजिए, ये नाटो की फोटो है। और नाटो का मतलब क्या है, तो नाटो का पूरा नाम जान लीजिए सबसे पहले, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। यूपीएससी के अंदर ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ नाटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ और एसएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, 1949, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है, इसके बारे में आ जाता है। नाटो के अंदर कितने देश हैं, नाटो के अंदर 29 देश हैं, और इससे सबसे बाद में जुड़ने वाले देश कौन से हैं, अल्बानिया और क्रोएशिया। तो ये ऑप्शन भी कई बार आ जाता है नाटो का, सीधा आपको देगा नाटो के बारे में तो आपसे पूछेगा कि नाटो में 29 मेंबर्स हैं, उसके बाद अल्बानिया और क्रोएशिया लास्ट दो मेंबर हैं। इसकी जो स्थापना 1949 में हुई, इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन आपको आ सकते हैं नाटो के बारे में, अच्छे से याद रखिए ये चीज़ें। इन दोनों ने वर्ष 2009 में नाटो की सदस्यता ग्रहण की थी। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, नाटो का मुख्यालय कहाँ है आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नाटो की स्थापना क्यों हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आपको सीधा ही पूछेगा कि नाटो के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आपको नाटो कैसे यूज़ होगा, मेंस के लिए आपको कोई और क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन होगा या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन होगा, वहाँ पर आपको नाटो का यूज़ करना पड़ेगा। और वो मैं आपको बता दूंगा कि कब और कहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई है उसके बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया। तो जो यूएसएसआर था उन्होंने पूर्वी संघ से अपनी जो सेनाएं, उनकी जो मिलिट्री है, जो आर्मी, उनको वापस हटाने से मना कर दिया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वार तो खत्म हो चुका था, अब उनको अपने अपने घर चले जाना था सभी सेनाओं को, लेकिन यूएसएसआर ने मना कर दिया कि हम अपनी सेना यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करने के लिए 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका पूरे यूरोप के साथ, लोगों के साथ, सोवियत संघ वहाँ साम्यवादी शासन का स्थापना करना चाहता था। आपको पता है कि जो यूएसएसआर है वो शुरू से ही साम्यवादी शासन को पूरे देश के अंदर लागू करना चाहता था। तो इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि जो रशिया है, जो यूएसएसआर है, वो अपनी हुकूमत ना जता पाए सभी देशों के ऊपर, या सब पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपनी हुकूमत ना चला सके, इसलिए अमेरिका ने एक ऐसे संगठन का बनाने की कोशिश की जो कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर आपको मिलिट्री जो सपोर्ट मिल सके और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सके। तो ऐसा एक संगठन बनाने की बात की गई, तो इस संगठन का नाम रख दिया नाटो। नाटो की फुल फॉर्म आपको पता है, नाटो की फुल फॉर्म नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं भी बताकर हटाऊँ। तो ये देख लीजिए, अमेरिका ने ऐसे संगठन बनाने की पहल की जो सोवियत संघ के अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। तो नाटो की ये मेन है कि नाटो क्यों बनाया गया, तो ये याद रखिए। अतः अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। तो आपसे एक सीधा एक क्वेश्चन आएगा, या जो मतलब एक स्टेटमेंट आएगी, मतलब जब नाटो बना था तब वहाँ पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए, या फिर नाटो की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 12 देशों ने की थी। तो आपको सही है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, नाटो ने 12 देशों से स्टार्टिंग की थी, लेकिन अब 29 देश हो चुके हैं और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, आप लोग ये जरूर याद रखिए। ये देश कौन से थे, 12, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। तो ये 12 कंट्रीज थे। अब नाटो के उद्देश्य क्या क्या हैं, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि नाटो के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो नाटो के उद्देश्य देख लीजिए, ये आपको पूरे अच्छे से स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नाटो का उद्देश्य इसके सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना है। तो ये इसका मेन मोटो है, जिसकी वजह से ये बनाया गया। सेकेंड, ये उस टाइम पे था सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकना, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब नाटो सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट पे ध्यान देता है, दूसरा पॉइंट अब नहीं है, लेकिन उस टाइम पे था।
पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना, तो ये आज भी है। कुल मिलाकर इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना और अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाना था। तो आपको पता है कि जो नाटो के जितने मर्जी मेंबर्स हैं, 29 मेंबर्स हैं, लेकिन आज भी जो नाटो के अंदर चलती किसकी है, यूएसए की। नाटो सिर्फ और सिर्फ यूएसए का संगठन है, हालांकि इसका जो हेडक्वार्टर यूएसए में नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो पहुंच है, ज़्यादा जो पावर है, वो किसके हाथ में, यूएसए के हाथ में। वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में जाते जाते सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। अब नाटो ऑपरेशंस के बारे में जान लीजिए, नाटो के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन है। तो नाटो विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सबसे पहले ही शांति वार्ता होगी वहाँ पर आपस में। दो कंट्री, मान लीजिए कोई दो कंट्रीज हैं जो नाटो के मेंबर्स हैं, आपस में उनको बैठा के बातचीत की जाएगी। अगर उसमें सोल्यूशन नहीं हुआ तो उसके बाद क्या है, मिलिट्री सोल्यूशन भी, सैन्य शक्ति का भी सहारा लिया जा सकता है। आपको याद होगा कि नाटो देशों के संयुक्त सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ संयुक्त युद्ध लड़ा था, तो आपको पता होगा। कुछ ऑपरेशन आज भी जारी हैं, आपको पता है कि कोसोवा के अंदर, अफ्रीका के अंदर जो, और जो अभी अफगानिस्तान के अंदर यूएसए की सेनाएं हैं, जो भी आपको पता होगा, शायद आपने न्यूज़ करंट अफेयर का जो करंट अफेयर जो दैनिक जागरण के सुना होगा कि जो सीरिया के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, सीरिया के अंदर जो 4,000 सैनिक हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो 14,000 सैनिक हैं यूएसए के या फिर नाटो के, उसको ट्रंप जी ने वापस लाने का फैसला किया कि हम इसको वापस हैं। इसमें से 7,000 को वापस लाने के ऑर्डर दे चुके हैं और इसमें से 2,000 को वापस आने के आदेश दिए जा चुके हैं, और कह रहे हैं कि हम सारे अपने जितने भी जो सैनिक है वो वापस बुला लेंगे। तो वो नाटो के तहत वहाँ पर रह रहे थे अफगानिस्तान के अंदर। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि अफगानिस्तान में यूएसए सेना क्या कर रही है, तो वहाँ पर सीरिया में यूएसए सेना क्या कर रही है। तो वो यूएसए की सेना नहीं, वो नाटो की मिलिट्री है, ठीक है। यूएसए ने अपने सैनिक भेज रखे हैं, बाकी कंट्रियों से यूएसए सैनिक तब मांगता है जब उनके पास खुद के सैनिकों की कमी हो जाती है या फिर कहीं और युद्ध लगा हो और उनके सैनिक पहले से वहाँ पर बिजी हों। तो जितने भी यूएसए के सैनिक हैं वो नाटो के अंदर हैं, और नाटो के सैनिक अभी अफगानिस्तान और सीरिया के अंदर प्रेजेंट है, जो वहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ाई करते हैं, तालिबान से अफगानिस्तान को बचा कर रखते हैं। और ये पूरा टॉपिक अगर आपने कवर करना है तो आप लोग दैनिक जागरण का एनालिसिस देख लीजिए। नेक्स्ट, आज भी नाटो के सदस्य देशों के अधिकारी, आम नागरिक, सैन्य विशेषज्ञ रोजाना सैन्य और राजनीतिक मुद्दों पर जानकारी देने और सलाह मशवरा और आवश्यकता अनुसार निर्णय तैयार करने में मदद मांगने के लिए रोजाना नाटो के हेड ऑफिस में जाते हैं। तो आज भी नाटो के हेड ऑफिस में मीटिंग्स डेली होती हैं। अब नाटो की संरचना, नाटो में कितने मेंबर्स हैं, संरचना कैसे हुई, तो जान लीजिए। उत्तर अटलांटिक परिषद की बैठक अध्यक्ष महासचिव करता है अध्यक्षता। जब निर्णय लेना होता है तो सर्वसम्मति या सामान्य समझौते के आधार पर कार्रवाई पर सहमति होती है। यहाँ पर बहुमत या मतदान जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं होती, यहाँ पर सर्वसम्मति और सामान्य समझौता हो कि जिस पर सभी ने एग्री कर दिया कि हाँ ये फैसला ठीक है, वो फैसला ले लिया जाता है। चलिए अब नाटो के मुख्य अंग, इनके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए और इनमें से आपको पूछा जा सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला महासचिव, जिसको कि बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है सबसे। तो आपको सीधा ऑप्शन में मिलेगा, एक ऑप्शन स्टेटमेंट मिलेगी, नाटो का सर्वोच्च अंग महासचिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है। इसमें सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट होते हैं, इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। महासचिव का मुख्य उत्तरात्लांटिक समझौते की धाराओं को लागू करना होता है और यह नाटो का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। और यह भी ऑप्शन आ सकता है कि नाटो का महासचिव ही नाटो का मुख्य प्रवक्ता होता है, या फिर नाटो का मुख्य प्रवक्ता वहाँ नाटो का महासचिव है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आपको इसके बारे में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं करना चाहें तो। परमाणु योजना समूह, न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप, तो परमाणु नीति समूह के पास परमाणु नीति के मुद्दों के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान अधिकार है, तो आप जान सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये भी एक स्टेटमेंट में आ सकता है, इस लाइन को याद रखिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, सैनिक समिति, मिलिट्री कमेटी, इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद है उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। जबकि किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता तो फिर मिलिट्री का यूज़ होता है। तो नाटो का पहला मोटो क्या है कि किसी भी देश में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी मेंबर कंट्रीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी दूसरे अन्य देश के अंदर जो मतलब नाटो से सहायता चाहता है, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या है, वहाँ पर उनको पहले तो सैन्य शक्ति ना यूज़ करके उसको पहले तो वहाँ पर के अपने बातचीत से राजनीतिक तरीके से समाधान निकालने की बात करते हैं कि ठीक है हम वहाँ पर जो है राजनीतिक तरीके से या फिर बातचीत करके उसका समाधान निकालेंगे। अगर फिर भी वो नहीं निकल रहा तो फिर वहाँ पर मिलिट्री यूज़ की जाती है, मिलिट्री कमेटी का फिर वहाँ पर काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, नाटो के पास खुद की सेना बहुत कम है होती है, इसलिए जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं, और जब मिशन पूरा हो जाता है तो सेना अपने देशों में दोबारा लौट जाती है। और फ्रेंड्स, नाटो के अंदर जो सैनिक होते हैं, अब वो मान लीजिए
अब आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आ रहा हो कि नाटो के अंदर कोई देश अपने सैनिकों को क्यों भेजेगा। तो खुद सैनिक चाहते हैं कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए और हम चले जाएं। क्यों ऐसा होता है कि जब जो नाटो के सैनिक होते हैं, मान लीजिए हम इसके बारे में भी क्या है, यूएसए के सैनिक हैं। अब यूएसए के सैनिक की जो सैलरी है वो 1,00,000 रुपये पर मंथ है, लेट अस सपोज, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसकी 1,00,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। अब वो जब यूएसए का सैनिक है तो उसकी 1,00,000 सैलरी, जब वो नाटो की तरफ से लड़ने के लिए जाएगा किसी दूसरे देश में तो उसको जो नाटो की अलग से सैलरी मिलेगी उसको 1,00,000 रुपये एडिशन मिलेगी, जितनी भी सैलरी है वो दो सैलरी मिलेंगी। तो मतलब अगर वो सैनिक 10 महीने वहाँ पर रहा किसी दूसरी कंट्री के अंदर तो उसको फिर 20 महीने की सैलरी मिलेगी, क्योंकि उसकी यूएसए वाली तो चल ही रही है साथ में नाटो की। तो इसलिए जो दूसरे देश के लोग हैं वो अपने आप कह देते हैं कि ठीक है हम नाटो का मिशन है तो हम चले जाते हैं, क्योंकि नाटो को जब भी सैनिकों की जरूरत होती है नाटो अपने मेंबर कंट्री के पास प्रपोजल भेजता है कि आप अपने सैनिक भेजिए हमें जरूरत है। तो जो लोग जाना चाहते हैं, जो आर्मी मैन विलिंग होते जाने के, उनको फिर वहाँ पर ज्वाइन करवा दिया जाता है। नेक्स्ट, उप समिति सबोर्डिनेट्स कमेटी, यह परिषद नाटो के सदस्य द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। तो आई होप ये ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। तो ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए इसमें और पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट होता है कि नाटो अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए ना सिर्फ राजनीतिक तरीका अपनाता है बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिक उपयोग से भी पीछे नहीं हटता। इस संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें अमेरिका का दबदबा है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यही देश तय करता है कि किस देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए या ना की जाए। तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल का लोगो है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ये हमारा लेक्चर यहीं तक था, और किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। तैयारी करते रहिए।